देखो गाइस कैसा लग रहा है यार। एंड लोकेशन चेक करो, कुछ इस तरह का है लोकेशन। एंड देखो उधर साइड पे सनसेट, एंड इधर साइड भी देखो सिर्फ हरियाली हरियाली, सनसेट लोकेशन पूरे मत बोला। एंड अभी हम लोग का सिक्योर उधर साइड पर रेडी हो रहा है। आ गया, अबे टायर लगा हुआ है ना गेट में। आप कितने स्पीड चलाते हैं? चलाते हैं 150 बैगन। देखो भाई चूल्हा सिर्फ देखो, यहाँ कोई गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ चूल्हा फुल देसी। देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ लो आप लोग, कितना कितना मिलेगा। ये है गाइस खाला, इधर है चिकन, इधर है चावल, और यहाँ देखो देसी वाला है साग, चोकट साग। चलो भाई अभी हो गया अपना बाइक में फ्यूल अप। देखो रोशन भी आ गया, अभी बाकी लोग गोल चक्कर के पास वेट कर रहा है। भाई 5-6 सेल दिखा रहा फ्यूल तो अपने बाइक में। मज़ा आता है जब अपने बाइक में ज़्यादा फ्यूल सेल दिखता है ना। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। एंड कैसे हो सब भाई, सब बढ़िया हो गया? बढ़िया ना, फुल पावर था बाइक साथ। तो अभी इवनिंग का समय है, एंड देखो सनसेट तो बहुत ऊपर में है, एंड आज है संडे, एंड हम लोग तो आज मॉर्निंग राइड पर कहीं नहीं गए थे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं न्यू एक हिडन लोकेशन जाने के लिए पूरा फुल पावर था बाइक के साथ। एंड इवनिंग का समय, एंड देखो पूरा प्रॉपर राइडिंग गियर्स में अभी हम, एंड बाकी दोनों को तो पिलियन पे, हमें एक सिंगल है। हम तो अपना पीछे सीट कवर लगा लिए, कोई भी नहीं बैठ सकता मेरे बाइक में। एंड आज वाला जो हिडन लोकेशन जा रहे हैं ना गाइस, मज़ा आ जाएगा, एंड आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा। एंड सनसेट के टाइम में वहाँ खास करके और भी ज़्यादा मज़ा आता है, एंड वहाँ जो व्यू दिखता है ना भाई, एक नंबर। हम तो कभी गए नहीं है बट हम देखे हैं, सही लगता है। तो आज जा करके देखते हैं क्या होता है, एंड रिएक्शन देखो क्रेजी। चलो भाई लेट नहीं करते, पीछे रह गया उन लोग, आने दो। चलो भाई हम लोग साथ में जाना चाहते हैं सबको, आगे पीछे कोई भी पीछे ज़्यादा छूट जाता है तो हम लोग रुक जाते हैं। एंड आज का जो लोकेशन होने वाला है ना भाई क्रेजी, मज़ा आ जाएगा आज। एंड तीनों के बाइक में एक रफ हो गई फुल सिस्टम, एंड अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं हनुमान जी के साइड। चलो इधर से ही हम लोग लेते हैं लेफ्ट टर्न माउंट कार्मेल स्कूल, इधर से भी हम लोग अंदर अंदर निकल जाएंगे। आज का ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो पूरा एंड तक देखना है। एंड अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी तुरंत से कर देना, एंड पहले जैसा यार सपोर्ट और प्यार दिखाना सिर्फ अपना भाई को। एंड मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए पहले जैसा प्रॉपर ब्लॉग डालने का। देखो भाई जब हम लोग धीरे धीरे चलते हैं ना, लाउड तो ज़्यादा नहीं करता एक जोर साउंड, बट जहाँ यार थ्रोटल लेके चलते हैं हम लोग ना, रस राइड करते हैं, तब तो भाई साउंड गूंजता है। भाई हम तो सीट से नीचे आ जा रहे, फिसल जा रहे बार बार, न्यू जीन्स पहने ना पता नहीं यार कैसे फिसल रहे हैं। बाइक धोए हैं ना हम आज पूरा फुल्ली, थोड़ा गंदा था मेरे को सही नहीं लग रहा था तो हम वॉश कर दिए जाने से पहले, इसलिए हम बार बार आगे पीछे हो रहे हैं, फिसल जा रहे हैं। एंड भाई देखो शॉर्टकट हम लोग डायरेक्ट मार के पहुँच गए अभी यहाँ, पता नहीं इसको कौन सा गाँव बोलते हैं, नहीं तो हम लोग को आगे से पूरा घूम करके आना पड़ता जो ब्लॉक चौक है ना वहाँ से लेफ्ट लेकर आना पड़ता है, ये रोड पर थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है। यहाँ से चलो लेना है लेफ्ट टर्न, थोड़ा सा भाई खींचा जाए। फटाका सुन रहे हो ना, पूरा रोड यार हम हल्ला करते जा रहे हैं। रिएक्शंस तो भाई क्रेजी मिल रहे, देख रहे हो ना। रिएक्शंस भाई क्रेजी मिल रहे, टोक्यो हो गया पीछे, पूरा रस राइड कर रहे हैं भाई अभी हम लोग सबको, देख रहे हो ना पूरा रोड पे मिलते जा रहा है। चलो चलो हम लोग भाई लोकेशन पूछने के लिए रुके हुए थे वहां पे हम लोग, क्योंकि कोई भी नहीं गया, फर्स्ट टाइम जा रहे सब कोई, बस इतना पता है कि लोकेशन भाई पूरा मस्त है।
एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ के साइड, आप लोग तो सुने नहीं होंगे एंड बहुत कोई आप लोग इधर साइड पे आए भी नहीं होंगे। हम तो भाई इधर साइड पे आते रहे क्योंकि पीछे में ही अपना रिलेटिव के घर है, तो हम आते रहते थे पहले, हमेशा हम इधर ही रहते थे समझो, वो तो अभी यार घर पे रहते हैं। चलो कुछ कुछ ले लेते हैं इधर से, फिर बाकी तो सब कुछ उधर ही किया जाएगा। हाँ ऐसे ही जा रहे हैं, तो हमको नहीं किया है। तो नहीं पीते हम, बस खाते हैं हम। आते हैं बोल दे पिसा, ठीक है जाओ जैसा हम तुमको कॉल करें, ठीक है। क्या एक्रापोविक क्या जी लगेगा लगेगा कहे नहीं लगेगा। ये क्या आ गया ये लोग भी, चलो हम लोग इसी को ढूंढने के लिए जा रहे थे। ढाई लाख आधा घंटा ब्राह्मण पहुंचा दे उस वक्त। हाँ आप पे ऊपर डिपेंड करता है कैसा चलाइएगा आप। आप कितने स्पीड चलाते हैं? 150 बाइगन, ठीक है। साइलेंसर 40,000, साइलेंसर नहीं नहीं 6,000। हाँ हाँ चलो भाई, रिएक्शंस तो मिलते रहते अपने को। क्या कर रहा था? देखो भाई सिर्फ एग्जॉस्ट, कौन लोग पूछते हैं एग्जॉस्ट का साउंड यार किसको पसंद आता है बताए ना आप लोग, सिर्फ लोंडो को। लड़की लोग तो भाई इरिटेट होती है साउंड से, और यही चीज़ आप लोग लोंडो से पूछो भाई, उन लोग थ्रोटल लेने के लिए बोलते हैं सिर्फ। तो भाई हम लोग यहाँ पे देखो रुके हुए हैं। हाँ नहीं बैग तो हम नहीं पकड़े, वो भी नहीं पकड़ा, बैग का क्या काम है। तो देखो ये है, पता नहीं इसको कौन सा चौक बोलते हैं, कुछ लिखा भी हुआ नहीं है आगे कुछ वाला चौक। एंड अभी हम लोग को देखो ये रास्ता जाना है आगे, कुछ कुछ ले रहा उन लोगों, वो अपना बाइक में हवा डलवा रहा है रोशन। एंड अपनी स्टेला देखो यहाँ पे है भाई, पूरा फुल्ली वॉश करके आया था, देख रहे हो गंदा भी एक जरा से भी नहीं दिखेगा, कहीं खुद से वॉश किया, वॉशिंग सेंटर नहीं गए थे, खुद से घर पर ही हम वॉश किए थे अपने हाथों से भाई। न्यू हैक हिडन लोकेशन पर लेकर के जा रहा होगा इस, आप लोगों को मज़ा आने वाला है आज पूरा। गर्मी तो यार पूछो मत, बहुत ज़्यादा लग रहा है। एंड देख रहे हो ना हम तो सीट काउल भी लगा दिया अपना बाइक में, हम सिर्फ सिंगल जा रहे हैं, बाकी दोनों के साथ पिलियन पे है। हम राइडिंग जैकेट में ना बोल के मेरे को ज़्यादा गर्मी लग रहा है, अपना बाइक तो तभी से ऑन करके हम छोड़ दिए, बैटरी तो नहीं डाउन होगा। आप लोग यार देख लो रोड, अगर आप लोग को कभी आना होगा रास्ते नहीं देखोगे तो फिर कैसे होगा ना, इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से रोड देखो और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पूरा प्रॉपर आप लोग को ले जाऊँगा अभी जिस जगह पर अभी हम लोग जा रहे हैं, उस जगह का नाम है तिरला। हाँ कैमरा ऑन है, कैमरा मेरा भाई हमेशा ऑन ही रहता है, ऐसा ही बैटरी डाउन थोड़ी होता है मेरा कैमरा का। हम तो पावर बैंक भी लेकर के जा रहे हैं अभी, रोड इधर देखो थोड़ा सा ख़राब है, बाकी लोकेशन सेक्सी होने वाला है। रोड जहाँ ख़राब मिलता है ना समझ लो आप लोग, लोकेशन पूरा पीसफुल वाला होने वाला है अभी। और इधर देख रहे हो ना पूरा गाँव एरिया है भाई, गर्मी भयंकर लग रहा है मेरे को, ऊपर से नीचे पूरा पैक है यार, गर्मी कैसे नहीं लगेगा। इधर साइड तो हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरे को यार थोड़ा सा नया नया लग रहा देख करके। ये कौन सा गांव है? क्या ओ समझ गया। हाँ हाँ अभी याद आया, हाँ 2 साल पहले आते, कहाँ से याद रहेगा, यही रोड। चलो भाई यहाँ से हम लोग ले रहे अभी लेफ्ट हैंड, ठीक है चलो। रोड देखो भाई कुछ इस तरह का अभी, एंड अभी सनसेट का टाइम होने वाला, मज़ा तो आने वाला भाई। रोड थोड़ा ऑफ रोड वाला टाइप से देखो, इधर का यार रोड बनाना चाहिए, बट मतलब यार गांव में इसका मतलब क्या रोड नहीं बनाएगा, कम से कम यार वो ढलाई वाला रोड रहता वो भी बना देता तो सही रहता, यहाँ तो कोई रोड ही नहीं है सिर्फ डस्ट गिरा हुआ है। बोल रहा है लोग, हालत तो मेरा भयंकर ख़राब हो रहा है, ऊपर से मेरा हेलमेट का जो वाइजर है ना वो भी डाउन है। ओहो हो भाई लोकेशन मस्त लग रहा है इधर का साइड, खड़ा होकर के मेरे को चलाना पड़ रहा है अब। अरे अब तो भाई दो रास्ता, किधर जाए अब, उधर तो रास्ता ही नहीं है, मतलब नीचे ही जाना है, इधर साइड के अभी तक पहुँचे भी नहीं है, और सही लग रहा है समझो, तो आगे क्या होने वाला है। अरे भाई इधर तो टनल मिल रहा है, हाँ रिएक्शंस भाई। इधर तो यार थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए गाइस, देखो रोड पूरा ख़राब है इधर का, क्योंकि
और पूरा गांव है, पूरा गांव पता नहीं यहाँ के लोग यार रोड कैसे जाते होंगे, सोचो इतना गंदा वाला रोड है। चलो दिन में तो ठीक है, रात में किसी को इमरजेंसी रहेगा तो कैसे होगा। आई थिंक ऑलमोस्ट अभी हम लोग पहुँच ही गए हैं और बस थोड़ा सा दूर भाई। देखो भाई 5-6 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद अभी हम लोग लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं प्रफुल्ल भाई और तवाई के साथ। ओह पूरा मस्त लग रहा भाई। देखो यहाँ अंदर की तरफ घुसा जाए, पहले चलो अंदर चलते हैं। ऊपर जो नीचे का भी व्यू दिखेगा ना पूरा मस्त। हम लोग गलत रास्ते पर आ गए, फिर भी देखो यहाँ से जो व्यू लग रहा है ना गाइस नीचे का, देखो अभी हम लोग गलत रास्ते पर आए बट यहाँ से जो नीचे का व्यू है तो अभी हम लोग को ऊपर जाना है। चलो बाइक टर्न करते पहले। आ गया, अबे टायर लगा हुआ है ना गेट में। बाइक आगे लगाना है कि बाइक कहाँ पे लगाएगा, आगे तो जगह नहीं है कहीं। तो देखो भाई अभी हम लोग यहाँ पे अपना बाइक लगा दिया है एंड लोकेशन देखो अभी सनसेट का टाइम है। चलो पहले जैकेट खोलते हैं यार, बहुत गंदा वाला गर्मी लग रहा है। हम तो बाइक पूरा वॉश करके आए थे, पूरा गंदा हो गया वे। देखो भाई अभी तो अपन जैकेट खोल लिया, भयंकर गर्मी लग रहा था हमको, पूरा प्रॉपर सब कुछ पहन के आते हैं। देखो खोल के रख दिया यहाँ पे एंड अपना बाइक वगैरह देखो हम लोग इधर साइड पर अपना पार्क किया है एंड देखते हैं अभी क्या करना है। यहाँ खाने आया अरे हम लोग तो पूरा गंदा हो गए, आप लोग तो जैकेट वगैरह पहन के। हम तो भाई हम भी गंदे ही हो गए। इधर चलो एक बार व्यू दिखलाते हैं आप लोगों को, ठीक है भाई। अभी सनसेट का टाइम नहीं हुआ है, जब नीचे हो जाएगा ना डाउन और भी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में नीचे से। आई मीन ऊपर से देखने में मज़ा आएगा, इधर से देखो सनसेट वहाँ पे है एंड व्यू देखो इधर का कैसा लग रहा। अरे नहीं पहले चलो ना ऑर्डर दे लेते हैं। आ जा आ जा यहाँ गाइस, आप लोगों को सारे चीज़ देसी मिलेगा सारा। ऑर्डर किधर देना है आगे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, सब पढ़ लो आप लोग कितना कितना मिलेगा। तो भाई अभी तो हम लोग ऑर्डर दे दिए है, सिर्फ अभी हम लोग को वजन करना है। देसी मुर्गा हम लोग बनवा रहे हैं यहाँ, सिर्फ देसी चीज़ मिलता है देखो यहाँ बत्ता के देसी वाला देसी मुर्गा देखते हैं वजन करने के लिए। अरे नहीं है गड्ढा यहाँ, क्या गड्ढा रहेगा मतलब बत्तख नहाता है यहाँ बोलता है कितना गड्ढा है, तुम डूब जाएगा यहाँ। देखो भाई चूल्हा यहीं पे बनता है चिकन वगैरह देसी देसी, सिर्फ चूल्हा में नजर गुजर भी यही पास है नींबू मिर्चा। लाल मिर्चा है भाई समझ रहे आप लोग गलत बोल रहे हैं, नजर गुजर है नजर गुजर। देखो भाई चूल्हा सिर्फ देखो यहाँ कोई गैस का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ चूल्हा फुल देसी। अभी हम लोग जा रहे हैं अपना देसी मुर्गा को वजन करवाने के लिए। अरे भाई मुर्गा पकड़ा जा रहा है 1 kg होगा। अरे भाई यहाँ तो शेर पाल के रखा भाई इन लोग, देख रहे हो शेर पाल के रखा। तो भाई देखो अभी हम लोग आ गए सनसेट देखने के लिए, बेस्ट सनसेट है भाई। देखो गाइस कैसा लग रहा है यार एंड लोकेशन चेक करो, कुछ इस तरह का है लोकेशन एंड देखो उधर साइड पे सनसेट एंड इधर साइड भी देखो सिर्फ हरियाली हरियाली सनसेट लोकेशन पूरा मस्त वाला एंड अभी हम लोग का चिकन उधर साइड पर रेडी हो रहा है एंड इधर देखो टेबल भी हम लोग इधर रेडी हो रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग आएगा चिकन, अरे यहाँ पे आज हम लोग डिनर करने वाले हैं समझो। उड़ गया फिर काम लग गया भैया। देखो भाई एंड देखो पूरा खाली हो गया, कोई नहीं है भाई सिर्फ हम लोग हैं, हम लोग के अलावा कोई नहीं है, अब सब निकल गया लास्ट टाइम ही लोग हैं एंड यहाँ नेटवर्क रहता ही नहीं है जियो का, एयरटेल का सिर्फ चलता है, एयरटेल का हम लोग का किसी का सिम ही नहीं है। स्टोरी डालने के लिए पता है दुकान पास गए हुए थे भैया से हॉटस्पॉट लेकर स्टोरी डाल रहे थे एंड लोकेशन आप लोगों का कैसा लगा इसका बताना कमेंट सेक्शन में, भूलना मत यार आप लोगों को न्यू हिडन हिडन लोकेशन लेकर आता हुआ आप लोग बताते नहीं हो। देखो टोक्यो लोग यहाँ पे बैठा हुआ है
तो भाई अभी देखो बहुत देर के बाद हम लोग का डिनर आ गया यहाँ पे, देखो पत्तल में यार पूरा देसी वाला है। एंड इधर साइड पे देखो चिकन आया, यहाँ खाना हम लोग का खाना पापड़ और पनीर ले रखा है। क्या चीज है, साग है ये? चाकोर साग देख रहे हो भाई, देसी सारा चीज। पापड़ और सलाद भी था, सलाद नहीं लाया। सलाद बोले? हाँ सलाद है, पैसा वैसा सब दिया हुआ। साइड में रख इसको, बस तो यूनिक है। हम लोग का देखो आ गया देसी वाला चिकन 1 kg। एंड उधर साइड पे चावल है, पापड़ है, टेबल पे पूरा भरा हुआ है देखो ये। अब मजा आएगा, बहुत जोर से गए भूख लग रहा था तब भी से यार हम लोग वेट कर रहे थे कब आएगा। अभी जा करके चलो आ गया, अब करते हैं डिनर ये पत्तल में। चावल चलो चावल निकालते हैं पहले। खाला बोलो, खाला 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 बोलते हैं इसको, खाला बोलते हैं ठीक है। ये है गाइस खाला, इधर है चिकन, इधर है चावल, पापड़, बस सलाद आ रहा है और पानी बोतल आ रहा है हम लोग। और यहाँ देखो देसी वाला है चोकर साग, चोकर साग बहुत। आज हम लोग का डिनर यही हो रहा है, ठंड पूरा अंधेरा हो गया, 7 भी बज चुका है, पता नहीं कितना बजे घर जा जाते वो तो नहीं पता। चलो पहले खाना निकालते हैं। 15 सलाद है क्या बोले हैं? हाँ बोले हैं, पैसा पेड है सब। ओ भाई अभी हम लोग निकाल लिए अपना खाना। देसी देसी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, देसी वाला मुर्गा है गाइस। चावल सलाद में देख रहे हो सिर्फ तुम भी भाई, ये दिया प्याज वाज तो कुछ है ही नहीं है, खाया है तुम देसी? तो चलो यार भूख लग रहा है बहुत जोर से, खाते खाना फिर मिलते आप लोगों से। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो चलो भाई अभी हम लोग को यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है। एंड अभी रात के बज रहे 8 एंड भयंकर है बिजली मलक रहा है, बारिश भी हो रहा है। हम लोग के घर साइड, घर से भी कॉल आया था मेरा, ज़्यादा लेट नहीं करते चलो निकलते हैं यहाँ से, पूरा अंधेरा हो चुका है, रोड भी इधर का तो ख़राब है भाई। अभी हम लोग को ऑफ रोड वाला रोड ही यार ख़त्म करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ऑफ रोड वाला रोड अभी सिर्फ टाइम लगेगा ना, तो सिर्फ ऑफ रोड वाला रोड पर, बाकी तो हम लोग उधर साइड पर तुरंत पहुँच ही जाएंगे। और बस बारिश नहीं होना चाहिए, बाकी घर पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा भाई। सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है अभी। चलो रेप, रेप। क्या बोला ठीक है, आते हैं फिर से। अरे बाहर एक जनरेटर मार रहा है। एंड रोड तो हम लोग अभी पूरा क्लियर दिखेगा भाई, तीनों का बाइक में फॉग लाइट लगा हुआ, रोड कैसे नहीं दिखेगा, हम लोग आगे पीछे ही चलेंगे। और एंड हम लोग को यहाँ आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोग को भी किसी को आना है तो मैं तो यार ब्लॉग डाल ही दूंगा, आप लोग रास्ता देख करके आ ही जाओगे प्रॉपर। यार मैं दिखाया हूँ रास्ता आप लोगों को, किधर से किधर आना है सारा चीज़ आप लोग को दिख जाएगा। मैं भी स्टोरी डाला था, सब कोई पूछ रहे थे कहाँ का लोकेशन है, ब्लॉग में सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे जगह का नाम बताऊंगा तो आप लोग नहीं जानोगे, ये जगह को गाइस बोलते हैं तिरला, बहुत कम ही कोई सुने होंगे आप लोग। हैंड रोड तो देख रहे हो ना, पूरा ऑफ रोड वाला भाई, ट्रैक्शन मेरे को ऑफ करना पड़ेगा लग रहा। एंड यहाँ सिर्फ सारा कुछ देसी ही मिलता है, जैसे बत्तख हो गया और देसी मुर्गा हो गया, मटन हो गया, ये सब मिलेगा सिर्फ आप लोगों को। एंड देसी मुर्गा का तो भाई 800 रुपया लिया 1 kg का, बना उना के सब कुछ और खाना का अलग से मज़ा आया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। कभी तो यार लाइफ में ऐसा एडवेंचर करना चाहिए। एंड अभी तो पूरा जंगल है भाई, चलो निकलते हैं किसी तरह ये जंगल से भाई। जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो रहा है, बारिश नहीं होना था, बारिश स्टार्ट हो चुका है, भीग जाएंगे पूरा, कहीं इधर बचने का भी जगह नहीं है। एंड वाइजर भी डाउन करके नहीं चल सकते हम, जहाँ वाइजर डाउन करके चलेंगे मेरे कुछ दिखेगा ही नहीं, भीगना तो भाई पड़ेगा ये बारिश में। अरे बीच में एक बाइक लगा हुआ है, बस एक बार रोड निकलने का देर है, बाकी तो कब पहुंचेंगे पता भी नहीं चलेगा। देखो भाई पूरा भीग चुके हैं अभी भयंकर भींगे पूरा। खोलो ना गेट, रुको देखो, हम लोग तो पूरा भीग चुके हैं ठीक है। एंड हम लोग का बाइक तो बाहर खड़ा है, एंड यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। पेंट का सिचुएशन है भाई, पूरा भीगा हुआ, बट पता नहीं चल रहा होगा, मेरा ये तो पूरा भीगा हुआ है देखो।
अरे देखो पीछे ही पूरा छीटा पड़ गया इसका एंड। देखो मेरा पूरा राइडिंग गियर पूरा भीग गया, ग्लव्स भी सब कुछ भीग गया। टोक्यो लोग तो उधर बच रहा है, हम लोग तो भाई भयंकर ठंडा लग रहा है एंड बारिश अभी हो ही रहा है, छूटा नहीं अभी तक बारिश। अब सोच रही है रुके कोई फायदा नहीं है, निकलेंगे डायरेक्ट एक ही बार। अब देखा कुछ दिख गया, तुम पीछे जाता तो रिफ्लेक्ट मारता था समझा लाइट का, और कुछ नहीं दिखता था, साथ में चलते तो दिखता था समझा। अरे हम लोग थोड़ी जगह थाना गाड़ी है भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा रोड। अरे हमको पीछे से बजट रहा, राइट पूरा हो गया, अरे पीछे से बजट रहा था हमको। चलो आज का ब्लॉग कहीं पे एंड कर देगा, अब तो मोटो ब्लॉग नहीं हो पाएगा क्योंकि यार बारिश हो रहा है एंड रात भी पूरा हो चुका है। तो चलो आज का ब्लॉग एंड कर दिया, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू सो मच।